सोलन में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक राठौर ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देश की पंचायतें तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाई हैं। पंचायत के प्रतिनिधियों को अधिकारी हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से गांव का विकास नहीं हो पाता। इसलिए केरल की तर्ज पर देश भर की पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था देश में होती है तभी देश आत्मनिर्भर बन सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायतों का परिसीमन करवाने का प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश सरकार चुनावों को टालना चाहती है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज चुनावों के लिए तैयार नहीं दिख रही है। यही कारण है कि वे किसी भी सूरत में चुनावों को टालना चाह रही है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने परिसीमन का पेच फंसा दिया है, जिसकी वजह से चुनावों में समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 वर्षों में परिसीमन क्यों नहीं करवाया और 5 वर्ष जब समाप्ति पर है, चुनाव पास में है, तो परिसीमन क्यों करवाया जा रहा है, जो प्रदेश सरकार की मंशा को स्पष्ट कर रहा है कि वह चुनावों से टलना चाहती है और वह चुनावों के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पंचायतों के चुनाव समय पर होने चाहिए, उनमें किसी भी तरह का व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव होने हैं, अपना दिसंबर या नवंबर में। हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह का व्यवधान इन चुनावों में ना आए, समय रहते चुनाव ये संपन्न हो जाए। जहां हम ये देख रहे हैं कि प्रदेश की सरकार जो अब डिलिमिटेशन की बात करना शुरू कर रही है, डिलिमिटेशन होना बुरी बात नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे समय में अगर आप डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समय को ज़्यादा ले जाएगा। और हमें ये शक हो रहा है सरकार के ऊपर कि वो इस चुनाव से जो है टलने की कोशिश कर रही है। हमारा ये मानना है कि जो 5 साल में जो चुनाव का जो पूरा पीरियड हो रहा है, इसी अवधि में जो है चुनाव पंचायतों के होने चाहिए। और प्रदेश सरकार से हमारा यह आह्वान रहेगा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को जो है वो केरल की तर्ज पर हिमाचल में भी लागू करें, ताकि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो आत्मनिर्भर हो पाए। हमारा ये मानना है कि जब तक हमारी पंचायतें आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक किसी भी तरह से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है। इस इशू को लेकर हम जो है 6 जिलों का दौरा आज हमारा यहाँ सोलन में संपन्न हुआ है कि हम जो हमारी यूनिट्स हैं, जिले की यूनिट, ब्लॉक की जो यूनिट है, उनके पास जाकर हम उनसे ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने पंचायतों के दौरे करने हैं, खासकर जो हमारी ब्लॉक की यूनिट है, ताकि वो ऐसे लोगों को तैयार कर सके जिनको संविधान के 73वें 74वें संशोधन की जानकारी हो या समझ हो, और उस समझ के लिए अगर लड़ाई लड़ने का भी कभी ज़रूरत आती है तो उनमें लड़ाई लड़ने का भी मादा हो। ऐसे लोगों को हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ब्लॉक स्तर से।